गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। एज वी हैव ऑलरेडी कंटिन्यूड विद अवर फर्स्ट लेसन ऑफ सिविक्स फॉर क्लास सिक्स, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। एंड देयर वाज अ गैप ऑफ टू डेज, वी डोंट हैव इन अवर शेड्यूल फॉर द क्लासेस ऑफ सिक्स एंड थर्टीन सैटरडे एंड संडे, बट नोबडी रेज एनी क्वेरीज। अब तक किसी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इट मींस इसका सीधा सा मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग, कि आपको सब कुछ जो बताया जा रहा है समझ में आया है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, करें ऐसा। अभी हमारे लेसन को हम वापस कंटिन्यू करते हैं। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ दैट डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ये डायवर्सिटीज क्या थी, ये पेपर डिस्कस किया था डिफरेंसेस, कि हमारे यहाँ कुछ अंतर है समाज के अंदर, वो धर्म के नाम पर भी, फिर रिलीजन, कास्ट, रीजन एटसेट्रा, उसमें कॉस्ट्यूम भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो कल्चर है उसमें डांस फॉर्म्स है, सारे आ सकते हैं। उसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन, इन अंतरों का आपको एम पी सी के साथ भेदभाव करें कि वो व्यक्ति इन्फीरियर है, हो सकता है रीजन के अनुसार हमने ऐसा मान लिया हो कि वो रिलीजन इन्फीरियर है। उसके बाद हमने इसका जो दो मुख्य रीजन पढ़े थे उसमें क्या था, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। अभी भी हमने पढ़ा था प्रेजुडिस क्या था, टू जज समवन नेगेटिव हु इज नॉट लाइक अस, किसी भी व्यक्ति को नेगेटिवली नकारात्मक तरीके से जज करना जो कि हमारे जैसा नहीं है, हमारे रिलीजन संबंधी नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा हो, तो उसको नेगेटिवली। मैंने इसका एग्जाम्पल, अगर हम बात करें रिलीजन की, कई बार हम किसी पार्टिकुलर रिलीजन को इन्फीरियर समझते हैं, उस रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते क्योंकि हमने अपने रिलीजन को सुपीरियर माना है। उसी प्रकार भाषा की, हम ये मानते हैं हु इज एबल टू स्पीक इंग्लिश इज सुपीरियर देन अदर्स, तो वी आर जजिंग अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, हम बाकी भाषाओं को नकारात्मक तरीके से जज कर रहे हैं। एवरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, ये तो है नेगेटिवली किसी भी चीज को जज करना। और स्टीरियोटाइप क्या है, एक कॉमन आइडेंटिटी रिगार्डिंग ए पार्टिकुलर ग्रुप, एक कॉमन इमेज बना लेना किसी भी समूह के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था बॉयज और गर्ल्स का, कि हम ये मानते हैं कि बॉयज आर स्ट्रॉन्ग एंड गर्ल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज बॉयज, दूसरा गर्ल्स आर इमोशनल। उसके बाद मैंने मैथ्स का एग्जांपल दिया था, सो मेनी टाइम्स वी कंसीडर दैट गर्ल्स आर नॉट सो गुड इन मैथमेटिक्स, बॉयज आर मोर। लेकिन ये सारे हाउ दी स्टीरियोटाइप डेवलप, स्टीरियोटाइप सारे डेवलप होती कैसे हैं, स्टीरियोटाइप सारे डेवलप होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो भी कल्चर है, हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, घर के अंदर हम आगे बढ़ते तो हमें इस प्रकार से ऑब्जर्व करने को प्रैक्टिकली भी, एंड इवन वी आर टोल्ड टू डू सो, और हमें कहा भी जाता है आप इस प्रकार रिएक्ट करें क्योंकि आप लड़के हैं या लड़की हैं। जन्म के टाइम सारे बराबर होते हैं, लड़का है लड़की है, लेकिन जब उसके बाद, मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा, कि हम ये मानते हैं कि लड़के मजबूत होते हैं, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल ले, तो अगर आप घर में एक लड़के हैं और बिकॉज ऑफ एन रीजन यू फेल डाउन किसी कारण, इफ यू नॉकिंग डाउन स्लाइड डाउन टू ए स्टोन हो सकता है, पत्थर ठोकर लगी गिर गए हो, जैसे आप रोने रोना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक चीज बोली जाती है घर वालों की तरफ से, क्या लड़की की तरह रो रहा है, यानी आपके दिमाग में मानसिकता ये बन जाएगी कि रोना तो लड़कियों का काम है क्योंकि वो कमजोर होती हैं, लड़के मजबूत होते हैं, उनको रोना नहीं चाहिए। अब उसी प्रकार घर में अगर लड़के और बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इस प्रकार की, तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ आपको छत के ऊपर चढ़ना, पेड़ों के ऊपर चढ़ना, सारा दिन उछल कूद करते रहना, तो हम बोलते हैं लड़कों की तरह श्रार्थ करती रहती है। तो हमने क्या माना, श्रार्थ करना किसका काम, लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं। तो ये हमने धीरे धीरे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, ये चीजें हमें बताई, उसी प्रकार हमने व्यवहार को डेवलप कर लिया, इससे हमारे स्टीरियोटाइप डेवलप होती चली गई। अब उसमें छोटा सा ये होता है, कई बार आप लड़के तो हैं गिर गए, चोट भी लगी है, रोने की इच्छा भी हो रही है लेकिन रो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ये बताया गया कि लड़के तो उनको रोना नहीं चाहिए, तो आप केवल जबरदस्त रोने उस चीज को रोक रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है लेकिन आप रो नहीं पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है लड़के मजबूत होते, बाकी आपका मजाक उड़ाएंगे। तो यह है स्टीरियोटाइप। अब इनइक्विटी हमारे यहाँ से कैसे डेवलप होती है, कि हम जिसको इनफीरियर मानते हैं उसको किसी पार्टनर काम को करने से रोक दें,
ऐसा मानता है कि हमने धर्म को या फिर हमारे डिफरेंट जो भी हमारे कल्चर है उसके अनुसार किसी पार्टिकुलर को इन्फीरियर माना, लैंग्वेज को इन्फीरियर माना, तो उसके आधार पर हम किसी को पार्टिकुलर लैंग्वेज बोलने से रोक दें कि आप ये लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, सही नहीं है, या फिर आप ये काम नहीं करेंगे, आपको काम करने से रोक दिया जाए, या फिर आपको कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आपके अंदर इक्वालिटी नहीं है। ये इक्वालिटी किस में होती है, हम उसके अनुसार हमने स्टीरियोटाइप डेवलप कर ली और फिर डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता है। इसमें एक इनइक्वालिटी और हमारे यहाँ, दैट इज ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक स्टेटस। हम इकोनॉमिक स्टेटस और वेल्थ, और वो कौन सी, कि हमारे अमीर और गरीब। आप देखते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर देख लें, किसी भी वर्किंग प्लेस पर देख लें, हॉस्पिटल्स या फिर किसी ऑफिस में चले जाएं, तो वहां पूरे सेक्टर ऑफ द सोसाइटी लोअर लेवल पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, बिकॉज दे आर पुअर इल ट्रीटेड, उनके साथ फिर बुरा व्यवहार किया जाता है, वो भी हमारे डिस्क्रिमिनेशन है। अब उसके बाद हमारा सबसे बड़ा रीजन जो भारत में है इस डिस्क्रिमिनेशन का, वो है कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम में हमने क्या माना, कुछ एक जातियों को प्रोफेशन बहुत सारे हैं, कोई कारपेंटर का काम करे, कोई बार्बर का काम करता है, कोई टीचिंग का काम करता है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसमें हमने क्या है अलग अलग जातियों में उनको डिवाइड कर दिया कि कौन सा काम करने वाले व्यक्ति कौन सी जाति में होंगे। तो उसी के अनुसार हमने सबसे ऊपर, हमारी कास्ट की बात में ग्लैडर एक सीढ़ी जैसे होती है ऊपर से नीचे, तो हमने सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद हमने चार, शुरुआत में हिस्ट्री में पढ़ा था, चार वर्ण में बांट दिया, और उसी के अनुसार हु आर गोइंग टू डू द वर्क ऑफ क्लीनिंग, जो साफ सफाई का काम करते थे उनको हमने सबसे लोअर रैंक पर रखा और उनके साथ भेदभाव किया गया कि दीज आर इम्प्योर, ये शुद्ध नहीं है, ये खराब है, अच्छे नहीं है, तो उनके साथ इस कास्ट के नाम पर हमने भेदभाव किया। लेकिन हर बार रीजन ऐसा ही नहीं होता कि डाइवर्सिटी ही हो, कई बार हमने देखा है हमारे मानसिकता ही है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, लेकिन जब पूरी स्टडी की गई उसमें तो पता चला कि उसका रीजन क्या है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर फ्रॉम पुअर सेक्शन। हमने केरला में इसका एग्जांपल देखा, केरला में स्कूल जल्द नजदीक स्थापित कर दिए गए और 60% टीचर्स आर वुमेन, महिलाओं को 60% टीचर रखा गया, एक गुड रिजल्ट वाज देयर, अच्छा रिजल्ट आया और वहां कंटिन्यू जो लिटरेसी रेट है बढ़ी। इसका मतलब क्या था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार डेवलप नहीं किया कि लड़कियों को शिक्षा मिल पाए, तो अलग अलग रीजन है। अब हमारे यहां इसके बाद इस कास्ट सिस्टम के डेवलप होने के बाद जो हुआ आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास कुछ एक वेल नोन पर्सनैलिटी जिनके साथ इस प्रकार डिस्क्रिप्शन हुआ और उन्होंने इसको आगे जाके जाहिर भी किया, हमारे साथ रिप्रेजेंट भी किया और उसके खिलाफ आवाज भी उठाई, उन पर्सनैलिटीज के बारे में वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।